कर दिए थे, और जब बोल दिया जाता है कोई बात तो उसको निभाना बहुत जरूरी हो जाता है। कई बार कहा गया था कि आपको बहुत मज़ा आएगा इस कार्यक्रम में, कभी भी नहीं भूल पाओगे, बेहतरीन प्रोग्राम होगा, बोल दिया तो उसको निभाना तो होता है। कैसा लगा आपको? किस किस को लग रहा है कि और साथियों को लाते तो बहुत बढ़िया रहता? yes! लग रहा है ना? yes, yes! मैंने पहले ही कहा था, मैंने बहुत बार कहा था कि मुझे मत कहना कि मैंने बताया नहीं। कहा था कि नहीं कहा था? yes! मैंने अच्छी तरह से बताया था कि इस कार्यक्रम में आने के बाद आप फिर कहोगे कि हमें बताया नहीं। मैंने पहले ही बता दिया कि ये कार्यक्रम यादगार कार्यक्रम होने वाला है। आप अपनी शादी भूल सकते हो लेकिन इस कार्यक्रम को आप नहीं भूल सकते। yes! ये कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन जिन का सहयोग है उन सभी को मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। हमारे सभी ब्रांड पार्टनर से बड़े उत्साह से और बड़े तन से मन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा तैयारियां जैसे हमने की है वैसे उतनी ही तैयारियां उन्होंने की है। हमारे टैलेंट्स जो आज हम देखने को मिले हैं उन टैलेंट्स की वजह से भी इस कार्यक्रम में बहुत सारी जान आई है। रैंप वॉक में भी बहुत मजा आया, सभी में बहुत मजा आया, तो इन सबको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप सभी साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आप वो टारगेट पूरा करके आए जब तक कार्यक्रम हुआ है। यस, पेट भर गया क्या? नहीं भरा ना। एक बार जय हर सिंह बोलेंगे। जय हर सिंह। एक बार और अच्छी वाली जय हर सिंह। एक बार और जय हर सिंह। दिल की बात यह है कि अगर आप इसी तरह साथ देते रहो तो मन में जो ख्याल है वो इतना सा नहीं, ये जो हुआ है तो कुछ भी नहीं है, ये किया गया है कुछ भी नहीं है। मैं तो जो चाहता हूँ और मेरे मन में जो उमड़ता है और दिन रात जो मैं सपना देखता हूँ वो तो ये है कि हमारे आरसीएम वाले इस दुनिया में सबसे नंबर वन होने चाहिए। उनकी शान ही अलग होनी चाहिए, नंबर वन। जहाँ भी दिख जाए तो लोग बोले कि आरसीएम वाले हैं। सबसे ज्यादा पैसे वाले कहीं हो तो आरसीएम में, सबसे ज्यादा अच्छे लोग हो तो वो कहीं आरसीएम में, सबसे ज्यादा हेल्दी लोग कहीं हो तो वो आरसीएम में, सबसे ज्यादा प्रेम कहीं हो तो वो हो आरसीएम में, सबसे ज्यादा मस्ती करने वाले लोग हो तो वो आरसीएम में, सबसे ज्यादा मालिक कहीं हो। इसके लिए तो बहुत कुछ करना चाहिए ना। मैं तो तैयार हूँ। तैयार है आप लोग? तो तैयार है तो अपन विजय दिवस को थोड़ा और धमाल करते हैं। विजय दिवस को इतना जबरदस्त बनाइए आप लोग, फिर मैं कह रहा हूँ, फिर मुझे मत कहना कि आपने बताया नहीं। अगर आप थोड़ी सी भी तैयारियां ठीक करते हो तो अपन विजय दिवस को इससे भी ज्यादा ऐतिहासिक बना सकते हैं। उसको अनेक तरीकों से डिजाइन किया जा सकता है, अनेक चीजें की जा सकती है, और न केवल विजय दिवस, मैं तो कहता हूँ आपकी पूरी जिंदगी को रोशन किया जा सकता है। आरसीएम के रूप में परमात्मा ने हमें इतना अद्भुत तोहफा दिया है, इतना अद्भुत अवसर दिया है, ये ऐसा अवसर मैंने इस जीवन में कहीं नहीं देखा है, ऐसा कहीं होता ही नहीं है। मुझे आप बताइए पूरी दुनिया में आपको मतलब हम लोगों की किसको चिंता, बता दीजिए। कोई चाहता है कि हम लोग आगे बढ़े, आम आदमी देश का आगे बढ़े, उन्नति करे, कहीं है क्या? जो होता है वोटों के लिए होता है,
अन्यथा दिल से कोई चाहता है क्या, कोई सोचता है हमारे बारे में? लेकिन आरसीएम के माध्यम से परमात्मा ने हमें वो ताकत दी, वो शक्ति दी, वो सिस्टम दिया है कि हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम हजारों लाखों घरों में रोशनी कर सकते हैं, दिए जला सकते हैं। यस, ईमानदारी की बात कहता हूँ, आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, बहुत मेहनत करते हो, पर मैं आपसे थोड़ी ज़्यादा मेहनत की अपेक्षा करता हूँ। हमको एक नई दुनिया बनानी है यार, हमको ऐसा साम्राज्य स्थापित करना है कि आरसीएम का रंग जो है ना वो पूरी दुनिया में चमके। मेरा मेहनत कुछ नहीं होता, क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं? यस। क्या ऊंचाई पर जाने के लिए तैयार हैं? यस। आपको एक काम करने की मैं वो देता हूँ, आमंत्रित करता हूँ, इनवाइट करता हूँ एक काम के लिए। मैं आपसे मतलब आप लोगों के साथ मिलकर कुछ अच्छी प्लानिंग करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप रोज मेरे से मुलाकात करो। हमें बहुत सारे बदलाव लाने हैं। देखो, बोल देना बहुत आसान होता है किसी भी बात के लिए, पर उस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ नियम कायदे, कुछ सिस्टम, कुछ बदलाव, कुछ पॉलिसी, कुछ मेहनत, कुछ प्लानिंग, बहुत सारा करना होता है। बहुत सारे बदलाव लाने हैं हमें। आज समाज में जो हो रहा है, हमारे पास बदलने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं, जो लोगों की आदतें हैं, जो कल्चर है, जो सोच है, वो सब कुछ बदलना है ना हमें। अपने तो अपने आप को बदलना है और बहुत सारी बढ़िया बढ़िया प्लानिंग्स करनी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप रोज मिलो, अपन रोज मिले हैं। कर सकते हैं आप तैयार? मजाक कर रहे हो कि यस कर रहे हो? पर आपको पता है मैं कहाँ मिलता हूँ? सबको पता है? यस। नहीं तो पता पूछ लेना, मैं कहाँ मिलता हूँ। पर आप सबको रोज आना है और जो भी साथी है उन सबको भी लाना है। अपन मैं बहुत ये दिल से बात कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसे मोटिवेशन के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं मजाक में भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ। जो मेरे शब्द होते हैं मेरे को आप कभी भी चेक कीजिए, मैं जो बोलता हूँ मैं केवल बनावटी कभी नहीं बोलता हूँ। जो मेरे दिल में होता है मैं बोलता हूँ, जो मैं बोलता हूँ वही मैं करता भी हूँ। आप कभी भी चेक कर सकते हैं। तो आप लोग वादा कीजिए कि हम रोज मिलेंगे, प्लानिंग सारी उस समय करेंगे। अभी के अभी तो सब कुछ नहीं हो सकता है, अभी तो केवल आप ठान लीजिए कि विजय दिवस को जबरदस्त बनाएंगे, विजय दिवस को ऐतिहासिक बनाएंगे, इतना काम करेंगे जितना कभी नहीं किया है। कुछ पंक्तियां जो मैं कहना चाहता हूँ।